लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका मतलब शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम। एल मतलब होता है लोवेस्ट, सी मतलब होता है कॉमन, एम मतलब होता है मल्टीपल। अब मल्टीपल के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, और कॉमन के बारे में भी पढ़ लिया। कॉमन का मतलब होता है ऐसा जो सबके अंदर आए, और एक होता है लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लोवेस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटा नंबर लेना है, कॉमन लेना है और मल्टीपल लेना है। एलसीएम फाइंड करने के टोटल तीन तरीके, तीन मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। और जो मेन तरीका है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन मेन तरीका ये, इस स्पेलिंग का जो मेन मतलब है वो आपको यहां से मालूम चलेगा। देखो ध्यान देना, सबसे पहला काम होता है एम का मतलब। एम का मतलब होता है मल्टीपल निकालना। जैसे हमारे पास दो नंबर्स है, एक नंबर है 8, एक नंबर है आपका 12। अब हमें इनके मल्टीपल लेने। मल्टीपल मतलब होता है टेबल, टेबल बोलना। जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 ये आ गया 40, ये आ गया आपके 48। ऐसे ही चलता रहेगा आगे से आगे। अब हम चलते हैं 12 के मल्टीपल, मतलब 12 की टेबल आपको बोलना है। तो ये आता है आपके 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। फिर आता है आपके 60, फिर आता है आपके 72, ऐसे ही आता रहता है। तो ये हो गए मल्टीपल। तो हमने पहला काम तो कर दिया, कौन सा वाला काम? ये वाला, कि हमने मल्टीपल ले लिए, हमने मल्टीपल निकाल लिए। अगला पॉइंट है कॉमन। ऐसा जो कॉमन है, हमारे पास टू नंबर है तो टू में कॉमन देखना है, थ्री नंबर है तो थ्री में कॉमन देखना है। जितने नंबर हमारे पास होते हैं उनमें कॉमन देखना है, कि जो इसमें भी है और इसमें भी है तो कॉमन कौन सा है। तो कॉमन पर टिक लगाएंगे। देखो ध्यान देना भाई, ऐसा जो इधर भी है इधर भी, उसको बोलते हैं कॉमन। देखो ये रहा कॉमन, ये रहा कॉमन। आगे और चलेंगे तो और कॉमन नंबर आएंगे। मतलब यह है कि टू के बाद एक कॉमन आ रहा है, टू के बाद एक कॉमन आ रहा है, तो टू के बाद एक कॉमन आएगा। इसमें एक के बाद एक कॉमन, एक के बाद एक कॉमन, तो ये नंबर आपके यहां पर भी आएगा। मतलब आप अगर ये 72 यहां पर आ रहा है तो दो नंबर के बाद यहां पर भी आपके 72 आएगा। जैसे होता है ना 12, 8 9 72, मतलब इसमें टू टू नंबर के बाद कॉमन आ रहा है, इधर एक एक नंबर के बाद कॉमन आ रहा है। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो कॉमन आपका 24 आ रहा है, 48 आ रहा है, 72 आ रहा है। अब यहां पर जो मेन है वो है लोवेस्ट। सबसे लोवेस्ट कौन है, क्योंकि हाईएस्ट तो बहुत सारे नंबर है, आप और आगे जाओगे गिनती नहीं, कितने भी नंबर आप ले सकते हो। लेकिन जो सबसे कम नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, वो लिमिटेड है 24। बड़े में तो कुछ भी आ सकता है, बड़े में तो कोई गिनती नहीं, कितने भी नंबर आप ले सकते हो। छोटे नंबर के अंदर कौन सा है, 24 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। इस लाइन का मेन मतलब ये है, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, कॉमन जो दोनों में आ जाए, मल्टीपल ये रहे मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मेन मतलब ये है कि आपको मल्टीपल लेने हैं, और मल्टीपल का आपको कॉमन लेना है और लोवेस्ट लेना है, क्योंकि हाईएस्ट का अनंत है, इनफाइनाइट है। मतलब आप कोई नंबर फिक्स नहीं है, हाईएस्ट में कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन लोवेस्ट में नंबर फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हम चलते हैं इस नंबर, मतलब एक तरीका होगा ये वाला, ये हमने ले लिया है पहला तरीका। अब एक तरीका और भी है, सेकंड तरीका लेते हैं, सेकंड मेथड लेते हैं। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। हमारे पास टू नंबर है, एक नंबर है मेरा 4, एक नंबर है मेरा 9। तो क्या करेंगे, मैं नंबर अलग ले रहा था कि आपको समझ में, आप चाहो तो यही क्वेश्चन सबके लिए कर सकते हो। जैसे हम क्या करें, इसमें टू का डिवाइड जाता है 2 टाइम, फिर जाएगा 1 टाइम। तो 4 का मतलब आया है आपके 2 into 2। अब 9 का करेंगे 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, ये 1। तो 9 का मतलब होता है आपके 3 into 3। और अगर आपको इसके अंदर एलसीएम फाइंड करना है, इसमें क्या होता है, सारे नंबर लेंगे, सारे नंबर मतलब जो जो नंबर दिख रहा है वो नंबर आपको लेना है।
नंबर लेना है, सारे नंबर लेना है, जो जो नंबर आपको दिख रहा है एक एक नंबर आपको, देखो यहाँ सबसे पहले टू लेते, ये लेने के बाद हमें क्या करना है, एक ही लाइन में सबसे ज्यादा बार कितनी बार, देखो टू यहाँ पर टू टाइम है जबकि यहाँ पर जीरो टाइम है, तो जिस लाइन में टू ज्यादा बार होगा उसको लेंगे, तो टू उसमें कितनी बार है आपके, टू टाइम थ्री, एक ही लाइन में जो सबसे ज्यादा बार आता है उस नंबर को लेते हैं, जैसे थ्री यहाँ पर, थ्री यहाँ पर कितनी बार है, टू टाइम, यहाँ कितनी बार है, जीरो टाइम, तो एक ही लाइन में सबसे ज्यादा बार जो नंबर आता है उसको लेते हैं, तो यहाँ पर थ्री कितनी बार है, टू टाइम, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा होता है आपके 36। ये एक ऐसा नंबर है, इस नंबर के अंदर फोर का डिवाइड भी जाता है और इस नंबर के अंदर नाइन का डिवाइड भी जाता है, ये नंबर फोर की टेबल में भी आता है और ये नंबर नाइन की टेबल में भी आता है, ये है ना, यहाँ पर ये नंबर एट की टेबल में भी आता है और ट्वेल्व की टेबल में भी आता है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये नंबर ऐसा है जो फोर और नाइन दोनों की टेबल में आता है। तीसरा तरीका एक और भी है, वो तरीका लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास जो नंबर है ना इसको लेते हैं, अब इसमें क्या करना होता है कि इसमें हम ऐसा करते हैं, दोनों नंबरों को साथ में लेते हैं यहाँ पर ऐसे, अब इन दोनों में आपके टू का डिवाइड जा रहा है, दोनों में जाने जरूरी नहीं है, बीच में डैश है, ये नंबर अलग है वो नंबर अलग है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, चाहो तो थोड़ा मैं दूर दूर लिख सकता हूँ यहाँ पर आपको, ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, अब ऐसा नंबर का डिवाइड करना है किसी में भी करो, इसमें करो इसमें करो, जाना चाहिए पूरा पूरा, जैसे मैं यहाँ पर टू का डिवाइड कर रहा हूँ, टू का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है थ्री टाइम, और यहाँ नहीं जा रहा है ना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, तो जैसा लिखा वैसा लिख दो बस, डिवाइड जाए तो दे दो, नहीं जाए तो जैसा है वैसा लिख दो, अब दोनों के अंदर थ्री का डिवाइड जा रहा है, थ्री का डिवाइड यहाँ पर भी जा रहा है, थ्री का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है वन टाइम, और थ्री का डिवाइड यहाँ जा रहा है थ्री टाइम, अब इसमें आपके डिवाइड जा रहा है थ्री का, इधर वन टाइम इधर भी वन टाइम, वन का तो लेने का मतलब ही नहीं है, और अगर आपको अब एलसीएम फाइंड करना है, ये बार बार बैठ जाए, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो जो नंबर यहां पर है उनको वहां पर लिखो, तो क्या हो जाएगा भाई आपके, टू इंटू थ्री इंटू थ्री, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स थ्री जा होता है आपके 18, 18 एक ऐसा नंबर है जो 6 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो दोनों की टेबल में आ जाए, 18 6 की टेबल में आता है 3 टाइम है और 9 की टेबल में आता है 3 टाइम है, तो तीन तरीके हो गए एलसीएम फाइंड करने के, एक तरीका यह है मल्टीपल निकालो, कॉमन निकालो, छोटा नंबर लिख दो, एक ये टुकड़े करो, हर एक नंबर को लिखना है एक लाइन में, मैक्सिमम कितनी बार आया एक लाइन में वो आपको लिखना है, और थर्ड है ये सबसे बेस्ट, ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें डिवाइड पूरा पूरा जाए, नहीं जाए तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करेंगे तो हमें तीनों में आपको एलसीएम ही मिलेगा, जो अच्छा लगे उस मेथड से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 8 देर का है, हमें एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों का, हमारे पास नंबर है 12 एंड 18, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, सबसे बेस्ट तरीका है थर्ड मेथड है, दोनों नंबर को साथ में लेकर एलसीएम फाइंड कर लो, इन दोनों में आपके टू का डिवाइड जा रहा है तो टू का डिवाइड करेंगे, दोनों में जा रहा है अच्छी बात है, किसी एक में भी जा रहा है तो भी देना है, टू का डिवाइड यहां पर जा रहा है सिक्स टाइम और टू का डिवाइड यहां पर जा रहा है नाइन टाइम, इन दोनों में से किसी एक नंबर में और टू का डिवाइड जा रहा है, यहां पर जा रहा है टू का डिवाइड, तो हम क्या करेंगे टू का डिवाइड करेंगे, और टू का डिवाइड यहां पर जाएगा आपके थ्री टाइम, टू का डिवाइड यहां पर जाएगा आपके थ्री टाइम, यहां जाएगा नहीं, यहां नहीं जाएगा, अब हम क्या करेंगे यहां पर, हम यहां लेते हैं हम थ्री, थ्री का डिवाइड यहां जाता है वन टाइम, थ्री का डिवाइड यहां पर जाता है आपके थ्री टाइम, फिर थ्री का डिवाइड करेंगे यहां पर वन का वन रहने, यहां पर डिवाइड जाता है आपके वन टाइम, और अगर आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड करते हो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये नंबर 2233, तो ये आ जाएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
टू टू जा फोर, फोर टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा 36। ये एक ऐसा नंबर है जो 12 की टेबल में आता है थ्री टाइम में और 18 की टेबल में भी आता है थ्री टाइम में, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। एग्जाम्पल 9 दे रखा है, हमें फाइंड करना है एलसीएम, इन दोनों नंबरों का एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास जो नंबर है मैं यहां लिख देता हूं 24 एंड 90, हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। इन दोनों में आपके 2 का, दोनों में या फिर किसी एक का डिवाइड जाना चाहिए, 2 का डिवाइड यहां पर जाता है आपके 12 टाइम, 2 का डिवाइड इधर भी जा रहा है तो देना है, जा रहा है तो दे सकते। इन दोनों में से किसी एक नंबर में आपके 2 का डिवाइड यहां जाता है, 2 का डिवाइड यहां जाएगा 6 टाइम, यहां नहीं जाता है तो ऐसे ही रहना दो, पूरा पूरा डिवाइड जाए तो ही डिवाइड देना है वरना मत देना। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, यहां तो जाता है लेकिन यहां पर नहीं जाता है तो ऐसे लिख दो। फिर 3 का डिवाइड करेंगे, यहां जाता है 1 टाइम और यहां पर जाता है आपके 15 टाइम, और 3 का डिवाइड जा रहा है इधर जाएगा 1 टाइम, इधर जाएगा आपके 5 टाइम। अब इसमें आपके 5 का डिवाइड जा रहा है, इधर भी 1 टाइम, इधर भी 1 टाइम, मतलब जिसमें डिवाइड कंप्लीट जाता है उसी का डिवाइड करना है वरना नहीं करना। अब हमें लेना है एलसीएम, हमें लेना है एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। तो क्या होगा भाई, आपके ये सारे नंबर आएंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, 24 इंटू 3 72 इंटू 5 72 का हाफ 360। ये एक ऐसा नंबर है जो 24 की टेबल में भी आता है और 90 की टेबल में भी आता है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। एग्जांपल नंबर 10 दे रखा है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, इन तीनों नंबरों का एलसीएम फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। हमारे पास टोटल 3 नंबर है 40, 48 एंड 45। अब हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो जिसका डिवाइड जा रहा है उसका डिवाइड देंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, बस एक में भी जा रहा हो तो दे देना डिवाइड, शुरुआत हमेशा 2 से करो, फिर 3, फिर 5, ऐसे चलो आगे आगे, मतलब प्राइम नंबर को धीरे धीरे बढ़ाओ, पहले 2 का कंप्लीट करो। तो 2 का डिवाइड यहां जाता है 20 टाइम, इधर भी जा रहा है बट इधर नहीं जा रहा, तो ऐसे यही रोक लो, इसमें डिवाइड जाएगा उसी में देंगे वरना नहीं देना। और 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें जाएगा आपके 10 टाइम, इधर देंगे तो 12 टाइम, इधर देंगे तो नहीं जाएगा 2 का डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड जाना जरूरी है। और 2 का डिवाइड करेंगे, यहां डिवाइड जाता है 5 टाइम, यहां पर डिवाइड जाता है 6 टाइम, और वहां पर डिवाइड जाता ही नहीं 2 का, तो सेम रहना दो। जब तक 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तब तक नहीं देंगे हम। और 2 का डिवाइड जा रहा है, इधर 5 टाइम, इधर 3 टाइम, इधर 45 टाइम। अब 2 का डिवाइड किसी में नहीं जा रहा, तीनों में किसी का नहीं जा रहा, लेकिन 3 का डिवाइड जा रहा है, तो 3 का डिवाइड करेंगे। 3 का डिवाइड यहां तो नहीं जा रहा है, यहां पर जा रहा है 1 टाइम, और यहां पर जा रहा है आपके 15 टाइम, जिसमें 1 आ गया उसको भूल जाओ, बाकी के नंबर को देख के रखो। अब 3 का और डिवाइड जा रहा है, इधर 5 टाइम, इधर 1 टाइम, इधर 5 टाइम, 3 का डिवाइड 15 में जाता है 5 टाइम। अब हम 5 का डिवाइड करेंगे, इधर भी आएगा 1, इधर भी आएगा 1, और इधर भी आएगा 1। तो जब तक 1 1 1 नहीं आता तब तक हमें ऐसे ही एलसीएम लेते रहना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। हमें यहां पर लिखना है एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45, हमें इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना। तो ये सारे नंबर ले लो, कितना 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 3 48, 48 into 3
48 इंटू थ्री करेंगे तो 144 होता है, कितना होता है अभी आपके 144, ये होता है 144, 144 इंटू फाइव करेंगे तो ये आता है आपके 720, 720 में 40 का डिवाइड जाता है, 48 का जाता है, 45 का भी जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जांपल नंबर 11 दे रखा है, फाइंड करना है एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास जो नंबर है वो है 20, 25 एंड 30, ये थ्री नंबर्स हैं, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। करते हैं एलसीएम फाइंड, इसके अंदर टू का डिवाइड जा रहा है, सबसे पहले हमेशा टू ही ट्राई किया, टू में किसी का नहीं जा रहा हो तो थ्री ट्राई करना है, फिर फाइव ट्राई करना है, फिर सेवन ट्राई करना है, फिर आपको इलेवन ट्राई करना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे आपको ट्राई करना आगे से आगे। तो पहले टू का डिवाइड करेंगे तो ये जाता है 10 टाइम, इधर तो जाता ही नहीं है डिवाइड, इधर आपके डिवाइड जाएगा 15 टाइम, फिर हम और टू का डिवाइड करेंगे, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है आपके 5 टाइम, इसमें जा रहा है 20, इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। अब हमें 3 का डिवाइड करना है क्योंकि उसके अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है, ट्राई करो कि पहले छोटे नंबर ही लो, इसमें तो जा नहीं रहा है 5 का डिवाइड, इधर भी नहीं जा रहा, सेम आपको लिखना है, इधर जा रहा है आपके 5 टाइम, फिर तीनों में आपके 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड इधर जाएगा 1 टाइम, 5 का डिवाइड इधर जाएगा 5 टाइम, 5 का डिवाइड इधर जाएगा आपके 1 टाइम। अब हम करते हैं 5 का डिवाइड, 5 का डिवाइड करेंगे इधर जाएगा 1 टाइम, 1 ही है तो 1 का कोई मतलब तो है नहीं, बस जिधर जा रहा है उधर डिवाइड करना है, जैसे 1-1 आए तो वहीं आप रुक जाओ। अब हमें लेना है एलसीएम लेना है, हमें यहां पर लिखना है एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 इज, देखो 2 आएगा पहले ये वाला, 2 into 2, 4, 4 into 3, 12, 12 into 5, 12 का हाफ कर दो 60, एंड 60 का हाफ होता है 30, मतलब 300, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 20 का भी डिवाइड जाता है, 25 का भी जाता है और 30 का भी जाता है, तो ये आ जाएगा एलसीएम। एग्जाम्पल नंबर 12 आपके दे रखा है, 2 tankers containing 850 liters and 680 liters ऑफ केरोसिन ऑयल रेस्पेक्टिव, हमारे पास 2 टैंकर है, तो देखो भाई हमारे पास जैसे ये ट्रक है, मान लो ट्रक बना देते हैं हम आपके लिए, ध्यान देना सिंपल सा है, देखो ध्यान देना, ये समझो टैंक ट्रक का टैंकर है पीछे वाला टंकी, और एक टंकी और है हमारे पास, इस टंकी के अंदर देखो, एक के अंदर तो है 850 लीटर कैपेसिटी है इसकी इतनी, उसके अंदर है भी आपके 680 लीटर कैपेसिटी है दोनों की। अब ये बोला फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, हमें एक ऐसा कंटेनर की कैपेसिटी लेनी है, बतानी है, विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ ऑफ टैंकर व्हेन यूज एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम हम उसका यूज कर सके और किसमें भी थोड़ा सा भी बचे नहीं। और एक चीज आपको ध्यान रखना, जब भी पूछे ना मैक्सिमम नंबर तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, जब हमें लोएस्ट नंबर पूछे या हमें मिनिमम पूछे तो हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना होता है, मतलब मिनिमम में एलसीएम और मैक्सिमम में एचसीएफ फाइंड करना है। अब हमारे पास 2 टैंकर है, अब हमें एक ऐसा मेजर लेना है जो इसको भी खाली कर दे, इसको भी खाली कर दे, ये सिंपल होता हूँ आपको, इतना बड़ा नहीं लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि यहाँ पर आपके 4 है, 4 लीटर का बना हुआ, एक 6 लीटर का है, 4 और 6 का दे रखा, तो अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो मतलब जैसे मान लो कि ये 4 लीटर का है, ये 6 लीटर का है, अब हमें एक ऐसा मेजरमेंट लेना है, ये मान लो मेजरमेंट है नापने का, इसमें 4 लीटर मिल्क है, इसमें 6 लीटर मिल्क है, अब हमें क्या करना है, एक बर्तन में डालना है दोनों को, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए, हाईएस्ट नंबर लेना है, मैक्सिमम नंबर का, मैक्सिमम कैपेसिटी का नंबर लेना है,
जैसे अगर मैं यहां से वन वन लूंगा, वन 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 करेंगे तो ये चार बार में खाली, वन करेंगे सिक्स टाइम में खाली, लेकिन वन से बड़ा नंबर भी हो सकता है। जैसे टू लेते हैं, अगर ये टू लीटर का है तो क्या होगा, ये मैक्सिमम लिया इससे बड़ा हो नहीं सकता। मैंने ये लिया मैक्सिमम टू लीटर का, इधर से मैंने खाली किया तो ये वन टाइम एंड वन टाइम टू टू, मैंने टू टाइम में खाली कर दिया। और यही इधर करेंगे तो टू प्लस टू प्लस टू मतलब थ्री टाइम में खाली हो जाएगा। अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में काम आ जाए। अगर आप थ्री लीटर लेते हो, अगर आप थ्री लीटर ले लिया तो ये तो खाली हो जाएगा थ्री प्लस थ्री, ये वाला थ्री प्लस वन ही रहेगा। हमें मेजरमेंट लेना है जो इसको भी खाली कर दे, इसको भी खाली कर दे, तो वो हाईएस्ट नंबर लेना है। अब टू लीटर से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो इधर भी आए इधर भी, और टू क्या है, दोनों का एचसीएफ है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे ना मैक्सिमम कैपेसिटी, हमें एक ऐसा कंटेनर लेना है जो इसको भी खाली करे, इसको भी खाली करे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचे, तो वो हमें चीज बतानी। तो क्वेश्चन को आपको अपने माइंड में अच्छे से पढ़ना है कि मुझे एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। जब पूछेगा मैक्सिमम कैपेसिटी तो एचसीएफ फाइंड करना है, जब पूछेगा मिनिमम कैपेसिटी वाला तो हमें एलसीएम फाइंड करना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहां पर जो मेन जो है ना वो है आपको इस पर ध्यान देना, मैक्सिमम कैपेसिटी पर। मैक्सिमम का मतलब होता है एचसीएफ फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ तो उसमें सिंपल होता है ना आपके, एचसीएफ में एच होता है हाईएस्ट, तो हमें एचसीएफ में हमें मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करनी, तो हमें दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, एचसीएफ लेना पड़ेगा एचसीएम। तो एक नंबर है हमारा 850 और एक नंबर है हमारा 680। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं, हम लेते हैं पहले 850 लेते हैं, 2 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, फिर 3 का तो जाएगा नहीं 5 का देते हैं, 5 का देंगे तो ये जाता है आपके 8 टाइम 5 टाइम, फिर 5 का देंगे तो 17 टाइम, फिर 17 करेंगे तो ये जाएगा भाई आपके 1 टाइम जाएगा। अब ऐसे ही हम यहां पर करते हैं 680 का करते हैं, 2 का डिवाइड करेंगे 340, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 170, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 855, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 17, फिर 17 का डिवाइड करेंगे 1। वैसे आपको करना, ये आपको रफ में नहीं करना है, वहीं पर करना है, ध्यान रखना भाई। ये मुझे तो आता है इसलिए मैं तो कर दिया, तो आपको सीखना पड़ेगा। यहां लिख देता हूं, यहां कर देता, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब 850 का मतलब होता है 2 × 5 × 5 × 17, और इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 5 × 17। अब हमें क्या करना है भाई, हमें लेना है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन इसके अंदर ये कॉमन आ रहा है। एचसीएफ फाइंड करना मैंने बता दिया था, 3.6x मैंने बताया था, वहां पर आप सीख सकते हो कैसे बताया था। और 5 भी दोनों में कॉमन है और 17 भी दोनों में कॉमन है, दो दोनों में कॉमन वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो है, ये एचसीएफ निकाल रहा हूं मैं, एचसीएफ मैंने 3.6 में बताया था, वहां से लेना। एचसीएफ हो गया दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है एंड 17 कॉमन आ रहा है। 5 × 10 × 17 करेंगे ये होता है 170। इतनी कैपेसिटी का एक लेंगे बर्तन या इतनी कैपेसिटी का एक कंटेनर लेंगे। अब 170 क्या करेगा इसको, अब देखो 170 की अगर टेबल बोलूं मैं, 170 की अगर हम टेबल कहते हैं, टेबल बोलते हैं, तो ये होता है मतलब ये वाला, इसमें से हम निकालेंगे ना इतने कंटेनर भर भर के निकालेंगे इसमें से, तो अगर हम ये वाला इसमें से निकालेंगे तो 5 टाइम काम आएगा ये रहा, और इसी से ये निकालेंगे तो 4 टाइम काम आएगा। मतलब ये वाला इसको 4 अलग अलग कंटेनर, 4 डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर भर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी 170 होगी, और इसमें हम टोटली 5 भर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी तो 170 के 5 आएंगे और 170 कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो इस चीज को आपको समझना है कैसे आता है, क्या होता है, एचसीएफ क्यों निकालते हैं, एलसीएम क्यों निकालते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एग्जाम्पल नंबर 13 देर का आपके
इन ए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं कितने, थ्री पर्सन जा रहे हैं, थ्री पर्सन मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, स्टेप ऑफ टुगेदर, साथ साथ निकल रहे हैं, एक साथ निकले शुरू हुए, एक साथ दौड़ना शुरू, तीनों साथ में खड़े और तीनों दौड़ना शुरू करते हैं, वॉकिंग करना, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, मतलब एक आदमी एक स्टेप करता है, जैसे मान लो चल रहा है ना, ये इसके पैर है व्यक्ति के, तो एक व्यक्ति का जो स्टेप है ना वो 80 सेंटीमीटर का है, सेकंड व्यक्ति का है 85 और थर्ड का है 90, मतलब दौड़ना शुरू करते हैं लेकिन हरेक का स्टेप बिल्कुल सेम सेम, लेकिन ये स्टेप का जो गैप है ना, स्टेप के नंबर सेम है लेकिन गैप जो है ना ये ज्यादा चल रहा है, जैसे उसने भी 10 कदम चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन उनके जो ये है ना, ये डिस्टेंस चलने का थोड़ा आगे भी जा सकते, क्योंकि जो ज्यादा चलेगा, जिसके गैप ज्यादा होगा, तो ज्यादा दूर दूर ऐसे पैर रखेगा वो जल्दी पहुंचेगा। तो इसमें बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, हमें बताना है मिनिमम डिस्टेंस। मैंने अभी बताया था मैक्सिमम के अंदर एससीएम फाइंड करते हैं और मिनिमम के अंदर हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एक स्टेप बताना है, मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एक नंबर है जिसमें आप डिस्टेंस कंप्लीट कर पाओ, एक डिस्टेंस दे रखा है कितने स्टेप में कंप्लीट कर पाओगे, वो हमें डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना। इसमें क्या फिक्स डिस्टेंस है, वापस से वहीं पर आना या आगे तक, कितने मैक्सिमम कितना है हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस बताना है, ऐसा डिस्टेंस जिसमें ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, हमें वो स्टेप्स बताना है कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। देखो एक नंबर है हमारा 80, वो आप यहाँ पर देखो, एक तो लेंगे 80, एक लेंगे हम यहाँ पर 85, एक लेंगे हम यहाँ पर 90, और इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। मिनिमम में एलसीएम फाइंड करते हैं, मैक्सिमम में हमें एचसीएम फाइंड करना है। तो ये हरेक का गैप है, धीरे 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 भाग रहे हैं, एक तो थोड़ा जल्दी जाएगा स्पीड में, तो हमें एक ऐसा बताना है, एक ऐसा नंबर जिसमें तीनों एक ही डिस्टेंस पर आ जाए। जैसे सिंपल बताऊं आपको, एक छोटा एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे मान लो एक 4 सेंटीमीटर चलता है, एक 6 सेंटीमीटर चलता है, अब 4 का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो ये आएगा 4, 8, 12, अब यहाँ पर 6 का क्या होगा आपके 6, 12, तो ये नंबर ऐसा हुआ जो दोनों में आ रहा, मतलब ये 2 कदम चलेगा, ये 3 कदम चलेगा, लेकिन दोनों का कदम एक भी आगे पीछे नहीं होगा, ऐसा नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ गया थोड़ा पीछे रह गया, तो हमें एक ऐसा डिस्टेंस बताना है, ऐसी डिस्टेंस बताना, ऐसा नहीं है कि देखो ये 4-4 का गैप रखता हूं मैं, देखो ध्यान देना, एक आदमी यहाँ खड़ा है, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे समझाते हैं और आप, ये 2 आदमी खड़े हैं, ये अब यहाँ पर देखो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, थोड़ा सा ज्यादा भी लिख सकते हो आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ये 12। अब यहां पर देखो ये वाला आदमी है, इसमें भी 12 करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब इसमें क्या है कि देखो हरेक का गैप देखो, ये आदमी 4-4 कदम आगे बढ़ रहा है, तो देखो 1, 2, 3, 4 यहां आ गया, 5, 6, 7, 8 यहाँ आ गया, फिर ये सीधा यहाँ आ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, यूं ऐसा कहने कि ये ऐसा आ गया, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल फिक्स लाइन पर आया, ऐसा यहाँ पर है, देखो ये 6-6 जा रहा है, तो 6 हो जाएगा आपके, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वापस 6 यहाँ पर हो गया, देखो 3 और 3, 6 सीधा यहीं पर रुका, तो मतलब एक भी व्यक्ति थोड़ा सा भी आगे नहीं जाना चाहिए, हमें एक ऐसा डिस्टेंस बताना है जिसमें तीनों उस लाइन पर आ जाए, वो लाइन कौन सी है कि जब आएंगे वो लेट, ऐसा नहीं जल्दी आ जाए, आएंगे वो लेट थोड़े धीरे आएंगे वो, लेकिन यहां पर उनका पैर रखेगा, यहां पर जैसे यहां पर सीधा उसका पैर पड़ गया उस लाइन पर, तो इस लाइन पर सबका पैर पड़ना चाहिए, वो हमें बताना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ये आपको सोचना है कि इसका मेन मतलब क्या है, क्वेश्चन का मेन मतलब समझोगे तो आराम से हो पाए, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा ज्यादा।
और भी तरीके बताने के, लेकिन अभी आपको और बताएंगे इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। टू का डिवाइड करेंगे 40 टाइम, इसमें 85, इसमें जाएगा भी आपके 45 टाइम। और टू का डिवाइड करेंगे, यहाँ जाता है 20 टाइम, टू का डिवाइड यहाँ पर देंगे तो जाएगा नहीं, और यहाँ पर भी नहीं जाएगा। फिर हम टू का डिवाइड करेंगे, इधर जाता है आपके 10 टाइम, इधर आपके जाता नहीं है टू का डिवाइड, इधर भी नहीं जाता है। अब हम करेंगे टू का डिवाइड, इधर जाता है 5 टाइम, इधर नहीं जाता और इधर भी नहीं जाएगा। अब हम लेते हैं 3 का डिवाइड, इधर तो नहीं जाता है, इधर भी नहीं जाएगा, बट इधर जाता है 15 टाइम। और 3 का डिवाइड करेंगे, इधर नहीं जाएगा डिवाइड, इधर भी नहीं जाएगा, इधर जाता है आपके 5 टाइम। अब हम 5 का डिवाइड करेंगे, इधर जाता है 1 टाइम, इधर जाता है आपके 17 टाइम, और फिर 1 टाइम, फिर 17 का देंगे तो 1111 आएगा। अब हमें लेना है एलसीएम, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 × 3 और 48 × 3 144 × 5 × 17, तो इसका मतलब भी निकाला था 1720 आया, कितना आया था भी आपके 720 × 17। इन सब का साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आता है 720, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 34 3 17 7 199 199 + 3 होता है 122 सेंटीमीटर। आप तो मीटर में भी चेंज कर सकते हो, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो 122.40 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी राइट है, ये भी राइट है। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1, रेणु परचेज 2 बैग, रेणु ने 2 बैग्स परचेज किए, एक बैग है आपका 75 केजी का है और सेकंड बैग है आपका 69 केजी का है, तो उसने 2 बैग्स परचेज किए हैं, कितने कितने केजी के हैं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, हमें ऐसा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट फाइंड करना है जो कि फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, मतलब दोनों को एग्जैक्ट भर सकते। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको जब भी पूछा ना मैक्सिमम ऑफ वेट, मैक्सिमम के अंदर आपको हमेशा एचसीएफ फाइंड करना है और मिनिमम के अंदर आपको एलसीएम फाइंड करना है, बस ये चीजों को आपको ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में। तो आपके पास 2 बैग है और हमें एक ऐसा एग्जैक्ट बैग लेना है जो दोनों को भर सके एक साथ, दोनों के लिए काम का हो, तो वो चीज हमें बतानी, मतलब दोनों एग्जैक्ट फर्टिलाइजर कर सके इसको, तो हमें बताना है फर्टिलाइजर करना है वेट को, वेट 75 केजी है और 2 बैग्स है, इसमें इतनी चीज डालनी है, तो हमें एक चीज बतानी है जो दोनों में काम आ जाएगी। तो हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है आपका 75, एक नंबर है आपका 69। हमें एक ऐसा वेट फाइंड करना है जो दोनों को एग्जैक्ट टाइम, अब टाइम तो चेंज हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में हम इस दोनों को भर सकते हैं, वो टाइम बताना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले 75 लेते हैं फिर 69 लेते हैं, दोनों को हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला नंबर है आपका 75, इसमें 3 का डिवाइड देंगे 25 टाइम जाएगा, फिर 5 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम, तो ये आने वाला है 3 1 टाइम है एंड 5 आपका 2 टाइम। ऐसे हम 69 का भी करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 3 टाइम, फिर 23 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो ये आता है आपके 3 × 23। और अगर हम यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करते हैं, ऐसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है हाईएस्ट, वहां पर लोगों लिखा हुआ मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट बताना, तो कौन सा है वो 3 है। ये वेट ऐसा है जिससे आप इसको भी वेट कर सकते हैं, इसको भी वेट कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लो 75 केजी है तो 3 3 3 3 केजी डालेंगे ना तो एक कभी ना कभी आपके 75 केजी हो जाएगा, ऐसे 3 3 डालते रहेंगे तो 69 भी हो जाएगा,
तो इन दोनों को हम इससे मेजर कर सकते हैं, दोनों दोनों को हम इससे मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपके दे रखा है, देयर बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, सेम स्पॉट से शुरू होना है दौड़ने के लिए, और आपको थ्री बॉयज है स्टेप, एक साथ स्टेप शुरू करना है चलना, देयर स्टेप मेजर, एक का इतना है मेजर, एक का इतना दे रखा है और एक का इतना दे रखा है, थ्री फ्रेंड है, तीनों का मेजरमेंट दे रखा है, स्टेप का मेजरमेंट दे रखा है, तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर मेजरमेंट ऑफ स्पेट स्टेप, मेजरमेंट ऑफ स्टेप्स, तीन फ्रेंड है तो यहां पर देखो फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड एंड थर्ड फ्रेंड, थ्री फ्रेंड दे रखे हैं, तीनों का मेजरमेंट दे रखा है, मतलब एक कदम को चलता है ना, जैसे कोई व्यक्ति है, ये जो चलता है व्यक्ति, तो यहां पर कुछ मेजरमेंट लेता है, एक का एक बार में 63, सेकंड का 70 और थर्ड का 77। व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस, हमें बताना है मिनिमम डिस्टेंस बताना है, ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स, तो कंप्लीट स्टेप हमें एक ऐसा स्टेप मतलब हमें बताना है, इतना डिस्टेंस बताना है जिसमें तीनों फिक्स डिस्टेंस में चले जाए, तो सिंपल बताऊं आपको, यहां पर देखो पेन बताऊं आपको, देखो ध्यान देना, सिंपल सा, कोई कदम छोटे रख रहा है, कोई कदम थोड़े बड़े रख रहा है, कोई उससे भी बड़े रख रहा है, और चलते जा रहे चलते जा रहे, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, देखो अभी सबका गैप जो है ना वो अलग अलग है, इन सबका डिस्टेंस एक ही जगह पर आना, या सबका थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक ऐसा डिस्टेंस बताना है जिसमें तीनों एक ही बाउंड टच करें, मतलब ये भी यहीं पर आए, ये वाला भी यहीं पर आए और ये वाला भी यहीं पर, इनका जो स्टेप है ना, ये मान लो जो पैर रख रहे हैं, ये जो फुट रख रहे हैं ना पैर इनका, ये पैर किसी एक लाइन पर आना चाहिए, एक लाइन पर, वो डिस्टेंस कब आए, जैसे हम कदम रखते हैं ना धीरे धीरे, तो कोई छोटा कदम रख रहा है, कोई बड़ा कदम रख रहा है, सबका कदम एक ही बाउंड्री, मतलब जैसे यहां पर कोई पड़ा है, कुछ चीज पड़ी है यहां पर, कोई यहाँ पर बाउंड्री है, ऐसी बाउंड्री जहां पर तीनों कदम बिल्कुल ऐसे कोने पर आए, वो हमें बताना है डिस्टेंस, और यहां लिखा हुआ मिनिमम, मिनिमम के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, एलसीएम फाइंड करना पड़ता है, हम क्या करेंगे इनका एलसीएम फाइंड करने वाले, तो ऐसे ही कर लेते 63, 70 एंड 77, हमें केवल प्राइम नंबर लेने, टू का डिवाइड जा रहा है तो देंगे हम, इसमें नहीं जा रहा है इसमें जा रहा, फिर इसमें भी नहीं जा रहा, फिर थ्री का डिवाइड करेंगे, थ्री का डिवाइड यहां पर जाता है आपके 21 टाइम, यहां पर नहीं जा रहा है और यहां पर भी नहीं जा रहा, फिर थ्री का डिवाइड करेंगे तो यहां पर जा रहा है 7 टाइम, इधर जा रहा है आपके नहीं जा रहा, इधर भी नहीं जा, फिर हम 5 का डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड यहां पर भी नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है 7 टाइम, इधर भी नहीं जा रहा, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 1 1 11, फिर 11 का डिवाइड करेंगे तो 1 1, अब हमें फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 63 70 एंड 77, कितना हो जाएगा ये नंबर, 2 2 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 18 5 जा 90 90, और ये 77, ये तो हो गया 90 और ये हो गया 77, 0 का 0, 9 से 63 63 और 6 होता है 69, अब ये सेंटीमीटर है तो हमें लिखना है सेंटीमीटर, इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो, 69.3 मीटर ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब ये डिस्टेंस एक ऐसा है जिसमें सबके कदम उस बाउंड्री उस लाइन पर आएंगे, तो ये हो जाएगा 6930, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद तीनों का एक ही लाइन पर होगा, वैसे होंगे आगे पीछे वो आगे चला जाएगा, लेकिन उस लाइन को उस पॉइंट को टच करेगा तीनों, तो वो ये वाला डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है,
द लेंथ ब्रेथ और हाइट, रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखे हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर थ्री डायमेंशन, हमें बता लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम, हमें एक ऐसा टैप फाइंड करना है जो तीनों को नाप सके, जो तीनों को मेजरमेंट कर सके, ऐसा टैप हमें लेना है। तो उसके लिए को यहां पर पूछा है लॉन्गेस्ट या बोलते हैं मैक्सिमम या उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कह दो, मैक्सिमम कह दो, तो ये सब चीजें एक ही चीज है। हमें क्या करना पड़ेगा, HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक हमारे पास दे रखा है लेंथ, एक हमारे पास दे रखा है ब्रेथ और एक हमारे पास दे रखा है हाइट। ये दे रखा है आपके 825, ये है आपका 675, एक दे रखा है आपके 450। हमें लॉन्गेस्ट टेप लेना है, ऐसा टेप जो तीनों को एक साथ नाप सके, मतलब किस में भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। पहले सबसे पहले लेना है आपको 825 लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम हाईएस्ट पूछे तो आपको HCF फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 का डिवाइड जाता है, 5 का डिवाइड इसमें जाता है आपके पहले वन टाइम, इसमें जाएगा भी पीछे बच गया 3 तो जाएगा 6 टाइम फिर 5 टाइम। अब हम 5 का डिवाइड करेंगे, देखो 5 का डिवाइड करो इसमें तो कितनी बार जाएगा भी आपके 3 टाइम जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा आपके 11 टाइम, फिर 11 का करेंगे कितनी बार जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 3 × 5 × 5 × 11, अच्छे से टुकड़े करने हैं आपको। अगला है 675, इसमें आपके 3 का डिवाइड जाता है, 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा इसमें आपके 2 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 25 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो यहाँ पर आपके आने वाला है 3 जो है ना वो 3 टाइम, 5 जो है वो आपके 2 टाइम। तो अब लास्ट बचा है 450, 450 को भी लेते हैं यहाँ पर हम 2 का डिवाइड करेंगे 225, 3 का डिवाइड करेंगे 75, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1। तो ये आने वाला है 2 × 3 × 5 × 5 × 5, टुकड़े करने हैं। अब हमें HCF लेना है, कॉमन फैक्टर हमें लेना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, अभी देखो 3 सब में है, 5 भी सब में है, एक और 5 है जो सब में है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में आ जाए, तीनों में आना, कॉमन आना जरूरी है। अगर आप इसका HCF फाइंड करोगे तो हमें मिलेगा 3 × 5 × 5, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, और ये हो जाएगा आंसर। ये एक ऐसा है जिससे आप इसको भी मेजर कर सकते हो, इससे आप इसको भी मेजर कर सकते हो, एक पॉइंट भी आगे नहीं जाएगा, और इसको आप इससे भी मेजरमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देर का है, डिटरमाइन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हमें एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना है जिसके अंदर 6 का भी डिवाइड जाए, 8 का भी डिवाइड जाए और 12 का भी डिवाइड जाना चाहिए, इसमें तीनों का डिवाइड जाना चाहिए और वो 3 डिजिट का होना जरूरी है, और ये बोला गया है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है, हमें इसका फाइंड करना पड़ेगा LCM फाइंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी LCM फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल 3 नंबर्स है, तो स्मॉलेस्ट बोला है इसलिए हम LCM फाइंड करेंगे, हम 6, 8 और 12 स्मॉलेस्ट मिनिमम पूछे तो आपको LCM फाइंड करना। तीनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें जाएगा 3 टाइम, इसमें जाएगा 4 टाइम, इसमें जाएगा 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें जाएगा आपके 2 टाइम, इधर जाएगा आपके 3 टाइम, फिर 2 का डिवाइड, तो यहाँ पर तो जाएगा नहीं, यहाँ पर 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर ऐसे ही रहेगा।
अब हमें थ्री का डिवाइड करना है, ये रहेगा वन वन एंड वन, तो हमें ये एक नंबर मिल गया। तो यहां पर दो क्या हो जाएगा आपके, ये जो नंबर है हमारा इसको हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम आता है कितना, एलसीएम आ रहा है 2223। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 3 जा कितना होता है अभी आपके 4 4 2 8 8 3 24। तो 24 की टेबल में आने वाला नंबर आपको लेना है। 24 तो आ गया, अब 24 तो एलसीएम आया, लेकिन ये तो 2 डिजिट का है, हमें लेना है 3 डिजिट का लेना है। हमें यहाँ ट्राई करना पड़ेगा, देखो पहले 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 आता है, 24 इंटू 2 करेंगे तो आपके 48 आता है, 24 इंटू 3 करेंगे तो 72 आता है, 24 इंटू 4 करेंगे तो 96 आता है, 24 इंटू 5 करेंगे तो ये 120 आता है। तो सबसे छोटा नंबर जो है ना वो 120 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपके 120 हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, हमें बड़े से बड़ा 3 डिजिट का नंबर ढूंढना है जिसमें इन तीनों का डिवाइड जाता हो, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम, जैसे हमने इसमें किया था सेम यहां पर। तो यहां पर हमने 3 डिजिट पूछा था, हम लोग 3 डिजिट आ चुके थे, अब हमें पूछा 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। जैसे हमें सेम क्वेश्चन को यहां पर भी करना है, हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है, फिर हमें और आगे बड़े से बड़ा नंबर जाना है, जब तक 4 डिजिट नहीं आता है तब तक जाना है। तो यहां पर हम लेते हैं 8 10 एंड 12, तीनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, किसी एक में भी जा रहा है 2 का डिवाइड करना है, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम इसमें जाएगा नहीं, इसमें 3 टाइम जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, इधर 5 इधर 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे, 1 5 और 1, फिर 5 का डिवाइड करेंगे, 1 1 एंड 1। तो यहां पर हमें ये नंबर मिला, अब हमें इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा आपके, ये नंबर 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 5 120, ये 3 डिजिट का है लेकिन छोटा नंबर है, हमें लेना है बड़ा नंबर लेना, अब बड़ा नंबर लेना है तो उसके लिए हमें और नंबर आगे जाना पड़ेगा। तो आप लगभग देखो, अगर मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये, अब आपको ट्राई करना है, 1 से ट्राई करना है, 2 से ट्राई करना है, 3 से ट्राई करना है, अगर मैं 9 से ट्राई करता हूँ तो ये आता है ये नंबर, ज्यादा बड़ा हो जाएगा और कम करना पड़ेगा, उल्टे ही चलते हैं, ये आता है 960, क्योंकि ज्यादा देखो ऐसे लेना है आपको 120 into 1 120 into 2 120 into 3 120 into 4, ऐसे ट्राई करते रहना है, जब तक ट्राई करते तो 4 डिजिट नंबर नहीं आता। तो यहां पर देखो ये नंबर काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, हमें लेना है 3 डिजिट का बड़ा नंबर, तो ये है आपके 3 डिजिट का बड़ा नंबर, इससे बड़ा करेंगे तो हो जाएगा 4 डिजिट का। इस छोटे नंबर तो बहुत सारे 120 ना 12 की टेबल पूरा कंप्लीट, 120 240 360 720, ये सारे नंबर है, सबसे बड़ा नंबर यही है, इसके बाद आता है आपके 4 डिजिट का जाएगा। तो ये आपके है 3 डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा है और जिसमें इन तीनों का डिवाइड जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके देर का है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज 48 सेकंड 72 सेकंड एंड 108 सेकंड, यहाँ मतलब अलग अलग टाइम पर लाइट बंद होती है और मतलब रेड लाइट आती है रोकने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए, तो ये टाइम दे रखा है अलग अलग रोड क्रॉसिंग के लिए, टाइम दे रखा है इतने सेकंड बाद रेड लाइट आएगी, इतने सेकंड बाद ग्रीन लाइट है, जो भी है लाइट कब आती है टाइम आपके दे रखा है। इफ दे चेंज सिमुलेटरी, मतलब ये लगातार ऐसा होता रहता है पूरे दिन, तो हमें बताना है कि ये 7 बजे हुआ है तो व्हाट टाइम विल चेंज, ये वापस से चेंज कब होगा, वापस से मतलब एक ही टाइम पर वापस से यही टाइम कब आएगा, वो टाइम हमें बताना है। तो वो मिनिमम टाइम जल्दी से जल्दी बताना है, वो टाइम कब आने वाला है जब तीनों एक साथ चलेगी, वो हमें टाइम बताना। तो वापस से वही चीज आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा।
हमें इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम। ये घड़ी का टाइम है, अब वापस वही टाइम फाइंड करना है, तो ये आता है 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। इतना इतना गैप है रेड लाइट के लिए, रोड क्रॉसिंग के लिए इतना टाइम दिया जाता है। अब तीनों एक साथ कब आएगी, तीनों एक साथ कब चलेगी, तो वो टाइम फाइंड करना। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टू का डिवाइड जाता है, टू का डिवाइड करो, इसमें जाता है आपके 24 टाइम, इधर जाता है 36 टाइम, इधर जाएगा 54 टाइम। फिर टू का डिवाइड करेंगे 12 टाइम और 18 टाइम एंड 27 टाइम। फिर टू का डिवाइड करेंगे 6 टाइम, फिर टू का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, टू का डिवाइड यहाँ जाता ही नहीं, फिर टू का डिवाइड करेंगे ये जाता है आपके 3 टाइम, 9 टाइम, 27 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 1 1, ये आया है। अब हमें इन तीनों का लेना है एलसीएम। वापस से वही डिस्टेंस, वही गैप कब आएगा वो फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो एलसीएम क्या आएगा, ये नंबर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये तो होता है 16 और ये होता है 27। करो मल्टीप्लाई, 16 7 जा होता है 42, हाँ 112 होता है, 11 बच गया, 32 और 11 होता है 43। मिनट, ये सेकंड है क्योंकि देखो सब सेकंड लिखे हैं, तो ये आपका सेकंड्स है। इनको आपको अगर मिनट में चेंज करना है तो कर सकते हो, 60 का डिवाइड करेंगे इसमें, रफली डिवाइड करना है 60 में। देखो 60 का डिवाइड करेंगे इसमें, पहले डिवाइड जाएगा भी आपके 7 टाइम, 1 बच गया 2, अब डिवाइड जाएगा पॉइंट आ गया आपके, तो 2 टाइम जाएगा। यह समझ लो पीछे कितना बच गया आपके, पीछे बच गया आपके 12 बच गया, कितना बच गया पीछे आपके 12, रिमेनिंग ले लो ना रिमेनिंग। इसको ऐसा कर सकते हो आप 420 प्लस 12, ऐसे अलग अलग कर सकते हो, ये सेकंड अलग वो सेकंड अलग, क्योंकि ये मिलकर बनता है आपके 7 मिनट और ये है आपका 12 सेकंड। अभी टाइम हुआ है 7 AM, तो वापस से ये वही गैप कब आने वाला है, तो वो है आपके 7 7 12, या कह सकते हो 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वापस से वही गैप आएगा 48 सेकंड का, 72 का और 108 का। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, 3 टैंकर, तो हमारे पास टोटल 3 टैंकर्स है, जैसे एक टैंकर अलग है, एक टैंकर और है, एक टैंकर और है, छोटे बड़े 3 टैंकर है और तीनों में इतने इतने लीटर डीजल भरा हुआ है। फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी, देखो मैक्सिमम कैपेसिटी पूछे तब आपको HCF लेना है, क्योंकि नाम ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट नंबर हो और तीनों में कॉमन आ जाए। तो यहां पर मैं पूछा है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कैन मेजर डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, तो तीनों को एग्जैक्ट मेजर कर सके, ऐसा बड़े से बड़ा हमें बताना था। तो मैक्सिमम का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है, सबसे बड़ा वाला मतलब हाईएस्ट हो गया, कॉमन फैक्टर जो तीनों को नाप सके। यहां पर लिखा हुआ ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम द 3 कंटेनर, तीनों कंटेनर को, तो यहां पर आएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमारे पास जो नंबर है वो ये हो जाएगा आपके 403 434 एंड 465। ऐसे इसका HCF निकालना इजी है, HCF निकालना है ना, तो HCF तीनों का अलग निकालना पड़ेगा। हमारे पास है 403, 434 एंड 465,
बिना देखा देख बिना कुछ भी सॉल्व किए अगर आपको निकालना है ना सिंपल सा इनको माइनस कर दो तो भी आ जाएगा आंसर। जैसे यहां पर देखो इनको माइनस करने पर कितना आता है 31, यहां पर भी कितना आ रहा है 31, 31 कॉमन हो गया मतलब दोनों में सब में 31 का डिवाइड जा रहा है। तो शॉर्ट में भी निकाल सकते हो, इनका डिफरेंस निकाल दो तो भी काम बन जाता है। तो आंसर क्या आएगा 31 हो जाएगा। और फिर भी कैसे निकालेंगे देखो ध्यान देना, भी सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और 31 इसका आंसर है, इसीलिए 31 का डिवाइड तो सब में जाएगा ही जाएगा। 31 का डिवाइड यहां जाता है आपके वन टाइम और यहां पीछे कितना बचेगा भैया आपके 9 बच जाएगा तो डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम, फिर 13 का देंगे तो 1 टाइम, फिर आता है 434, 31 का ही डिफरेंस है तो मतलब 13 टाइम कहते 14 टाइम जाएगा, मतलब 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके 217, फिर हम करेंगे इसमें 7 का डिवाइड तो ये जाएगा आपके 3 टाइम 1 टाइम, फिर 31 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, फिर है आपके 462, ये भी करना है, ये भी आपको लिखकर बताना है वहां पर, इसमें 3 का डिवाइड जाएगा तो 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा इसमें 9, पहले जाएगा आपके 15 टाइम, फिर जाएगा इसमें आपके 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम 1 टाइम, फिर 3 टाइम 1 टाइम, तो इसका मतलब होता है 13 इंटू 31, इसका मतलब होता है 2 इंटू 7 इंटू 31 और यहाँ आएगा आपके 3 इंटू 5 इंटू 31। और अगर हम यहाँ पर एचसीएफ लेते हैं कॉमन फैक्टर जिसमें तीनों का डिवाइड जाए, जिसमें तीनों को मेजर कर सके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर, जो 3 कंटेनर को एग्जैक्ट टाइम वो कंपेयर एग्जैक्ट टाइम मेजर कर सके, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 31 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 31 लीटर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके देर का, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट मतलब एलसीएम, हाईएस्ट लीस्ट मतलब कम भी होता है, तो लीस्ट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो वो एलसीएम आता है, ऐसा नंबर जिसमें तीनों का डिवाइड जाए और रिमाइंडर कितना बचे 5 बचे, ऐसा नंबर जिसमें इन तीनों का डिवाइड जाए और पीछे 5 बच जाए, तो उसके लिए एग्जांपल में भी आया हुआ है, तो उसके लिए हमें सिंपल सा फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भी आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो हमारे पास जो नंबर है वो है 6, 15 और 18, इन तीनों में किसी का भी डिवाइड जाए, 2 का डिवाइड किसी एक में जाता है, देंगे यहां पर इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें देंगे तो जाएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें जाएगा 1 टाइम, इसमें जाएगा 5 टाइम, इसमें जाएगा 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम 5 टाइम, इधर जाएगा 1 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 1 1। अब यहां पर हमें वो नंबर ढूंढना, हमें लेना है पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा ये नंबर 2 3 3 5 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 6 3 18 18, 5 जा होता है कितना आपके 90। ये नंबर ऐसा है जिसमें 6 का भी डिवाइड जाता है, इसके अंदर 15 का भी डिवाइड जाता है, इसके अंदर 18 का भी डिवाइड जाता है, और हर बार अब देखो यहां पर तो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है हमें ऐसा नंबर लेना जिसमें 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 5 अंदर ऐड कर लो, तो यहां पर देखो 90 प्लस 5 ऐड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 95। इसमें 6 का डिवाइड करोगे तो 90 तक ही जाएगा, पीछे 5 बच जाएगा, इसमें 15 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, पीछे 5 बच, क्योंकि यहां तक ही डिवाइड जाएगा, पीछे 5 बच जाएगा, 18 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर यहां तक ही जाएगा, 18 5 90, पीछे कितना बचेगा 5 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देर का है, फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें एक 4 डिजिट नंबर लेना है जिसमें इन तीनों का डिवाइड जाए, तो पहला काम करेंगे इन तीनों में डिवाइड जाने वाला नंबर ढूंढेंगे, सेम इसकी तरह जैसे हमने यहां पर निकाला 90, ऐसा नंबर इन तीनों का डिवाइड जाए, तो हमें पहले इसकी तरह एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें अगर ऐसा नंबर ढूंढना है, पहले हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसमें इन तीनों का डिवाइड जाता हो,
और फिर हम लेंगे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, इससे बाहर नहीं जाना है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर आपको लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम पहले हम लेते हैं यहां पर हम एलसीएम, इसका लेंगे यहां पर हम 18, 24 एंड 32, इनका हमें एलसीएम लेना है। तीनों में टू का डिवाइड जा रहा है, इधर 9 टाइम, इधर 2 का डिवाइड जाएगा 12 टाइम, इधर डिवाइड जाएगा 16 टाइम, और 2 का डिवाइड करेंगे यहां पर नहीं जाएगा, यहां पर जाएगा 6 टाइम, यहां पर जाएगा 8 टाइम, और 2 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर नहीं जाएगा, इधर जाएगा 3 टाइम, इधर जाएगा आपके 4 टाइम, और 2 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो नहीं जाएगा, यहां पर भी नहीं जाएगा, यहां पर जाएगा 2 टाइम, एंड 2 डिवाइड यहां पर नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, इधर जाएगा 1 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे, इधर जाएगा आपके 3 टाइम, यहां पर 1 टाइम, यहां पर भी 1 टाइम, इन तीनों में आपके 3 का डिवाइड दे सकते हैं 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। तो ये होगा हमारा ऐसा नंबर जिसमें तीनों का डिवाइड जाता है। तो दिस नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32, इसमें तीनों का डिवाइड जाए वो नंबर ये है, यहां से निकलेगा। मतलब क्या हो जाएगा आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 2, फिर है आपके 3 × 3, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आता है 32, और इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 9, 9 × 18 = 127 + 1 = 28। अब ये नंबर तो आ गया, लेकिन ये तो 3 डिजिट का है, हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर, तो हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ट्राई करना पड़ेगा। फिर ट्राई करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, 288 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 288, फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 6, 7 एंड 5, फिर हम इसको क्या नाम है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6, 2, 6 और 2, 8, फिर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक करेंगे जब तक कि 4 डिजिट नंबर नहीं आता है तब तक करना पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी बड़े बड़े नंबर भी ले सकते हो, तो यहाँ आता है 32 और 3 35 3 4 2 8 और 3 होता है आपके 11। ये हो गया नंबर जो 4 डिजिट का आता है और इसमें इन तीनों का डिवाइड जाता है, क्योंकि ये नंबर तो सब में है ना, ये नंबर तो यहां पर है ही है, ये नंबर तो सब पर इन तीनों का डिवाइड जाता ही है, बस यहां पर हमें इसका 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ऐसा नंबर हमें लेना है, तो ये नंबर आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, फाइंड एलसीएम, हमें क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है इन नंबर्स का, और ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑब्टेंड एलसीएम, एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केसेस, और साथ में देखो यहां पर ये बोला है ऑब्जर्व करना है कॉमन प्रॉपर्टी को, सब में ऐसी क्या कॉमन प्रॉपर्टी है वो बतानी है। इज एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस, और कौन से नंबर में किसमें दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम आ रहा है, ये भी हमें बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, मतलब ऐसा भी आपको आना चाहिए। तो कैसे देखो ध्यान देना भाई, सब में एक चीज आएगी कॉमन, क्या करना है ध्यान देना भाई, सबसे पहले आपके दे रखा है 9 एंड 4, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, और इसका जब एलसीएम फाइंड करोगे ना तो यही नंबर आएंगे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। तो हम करते हैं यहां पर 9 और 4, देखो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा है बट इसमें जा रहा है 2 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो इधर तो नहीं जाएगा बट इधर 1 टाइम जाएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, इधर आपके 1 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 1 1, और अगर आप इसका एलसीएम फाइंड करोगे तो आपको मिलने वाला है 2 × 2 × 3 × 3, जो है एक 36 है, और ये आंसर जो है ना, ये देखो इस सब में कॉमन प्रॉपर्टी यही आएगा, सबका मल्टीप्लाई ही होगा, और यहां पर अगर आप इसका एलसीएम जो है ना 36 जो है ना वो इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं दोनों कॉमन नंबर मत लेना भाई,
ये दोनों नॉन कॉमन नंबर है, मतलब ऐसा नंबर, ये दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते, ये दोनों नंबर एक ही नंबर से नहीं कटते, किसी भी नंबर से ये दोनों नंबर एक साथ नहीं कटते। इसीलिए देखो ये इसमें इसी का डिवाइड गया, इसमें इसी का डिवाइड गया, जो भी आंसर आएगा वो इनका मल्टीप्लाई ही होगा। अब देखो एक और देख लो, यहां पर जैसे ये वाला नंबर है 12 and 5, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को कैंसिल कर सके, तो इसका आंसर भी वही आएगा ऐसे ही, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल, तो 12 5 60 आएगा। जैसे यहां पर 2 का डिवाइड करता हूं मैं, 6 टाइम इधर जाएगा नहीं, फिर 2 का डिवाइड करते हैं 3 टाइम 5 टाइम, फिर 3 का करेंगे 1 टाइम 5 टाइम, जिसमें जा रहा उसी में डिवाइड करना, नहीं जा रहा तो नहीं देना, 5 का करेंगे तो 1 1। अब हम यहां पर अगर एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 4 = 12, 12 × 5 = 60। और ये जो आंसर है ना, ये आंसर आपके ये लिखा हुआ है एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, इसमें आपको दे रखा 6 and 5, 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा 5 का 5, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम इधर 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे इधर जाएगा 1 टाइम इधर भी 1। अगर आप इसका एलसीएम फाइंड करोगे तो हमें मिलने वाला है ये 3 नंबर्स, 2 × 3 × 5, ये होता है 6 6 5 = 30। और ये जो नंबर है, ये नंबर इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ऐसा तभी होता है जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, नॉन कॉमन फैक्टर है, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, इनको हम को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। जिनका भी को प्राइम नंबर होते हैं ना, उनका जब एलसीएम फाइंड कर, एससीएफ तो 1 होता है और एलसीएम होता है दोनों का मल्टीप्लाई, जिनका एससीएफ 1 होता है उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, और ये को प्राइम नंबर भी इनको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 15 and 4, 2 का डिवाइड जा रहा है, इधर तो नहीं जा रहा है बट इधर जा रहा है, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, यहां पर नहीं जाएगा बट इधर आपके 1 टाइम जाएगा, फिर 3 का डिवाइड इधर जाता है, फिर 5 का डिवाइड करेंगे। ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एससीएफ कितना होगा 1, और एलसीएम क्या होगा दोनों का मल्टीप्लाई। अगर हम यहां पर एलसीएम फाइंड करते हैं तो ये आता है 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। और ये जो नंबर है ना, ये नंबर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो सब में क्या कॉमन है, एक तो ये सारे नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है, और इन सब में जो भी मल्टीप्लाई, मतलब ये और ये नंबर जो है ना, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, उनका अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, फाइंड द एलसीएम, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर, एक ही नंबर वो क्या है, फैक्टर है ऑफ अदर, साथ देखो ये फैक्टर भी दे रखा, मतलब 6 का फैक्टर है या 18 का फैक्टर 6 है, 20 का फैक्टर 5 है, 48 का फैक्टर 12 है, जब भी ऐसा आए ना, इसका मतलब जो नंबर बड़ा है वही आंसर है। मतलब जैसे इन दोनों में 20 आंसर है एलसीएम में, इन दोनों में 18 आंसर है, इन दोनों में 48 है। अगर किसी, अगर कोई नंबर दे रखा है उसका फैक्टर ही पास में दे रखा है, इसका मतलब है कि ये नंबर ही होगा एलसीएम। आप चाहो तो निकाल दो। देखो ऐसे यहां पर देखो, सबसे पहले नंबर 1 ए, ए दे रखा है 5 and 20, अगर इस नंबर का फैक्टर यहां पर दे रखा है, इसका मतलब यही नंबर क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। तो देखो यहां पर, देखो सबसे पहले यहां पर 2 का डिवाइड जाता है, इधर तो जाएगा नहीं, इधर जाता है 10 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 5 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 1। और अगर हम यहां पर इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आता है इन तीनों नंबरों को, 2 × 2 × 5, 2 × 4 = 4, 5 = क्या होता है 20 होता है। मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर एक नंबर अदर नंबर का फैक्टर है, 5 20 का फैक्टर है,
इसीलिए जो नंबर बड़ा है ना वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, हर एक में आपके ऐसा ही होने वाला है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 6 और 18 लिखा हुआ है, तो 18 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है, 18 भी होता है, तो उस फैक्टर के नंबर भी यही दे रखे हैं ना। तो आप समझ लो जो नंबर बड़ा है ना वही फैक्टर है, अब वही आपका एलसीएम है। इसमें 2 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, इधर 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 1। अगर आप इसका एलसीएम फाइंड करोगे ना तो ये नंबर लिखने हैं 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 = 18, इसका जो एलसीएम है ना वो आने वाला है आपके 18। ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहां पर देखो 48 का फैक्टर 12 है, तो हमें इन दोनों का निकालना है एलसीएम। दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है 6 टाइम, 24 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 12 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 टाइम, इधर नहीं जाएगा, इधर आपके 3 टाइम जाएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 1। और अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो ये नंबर आएंगे 2 × 4 × 8 × 16 × 3 = 48। अगर हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर बड़ा है ना वही क्या होगा इसका आंसर, मतलब ये 48 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें लेना है यहाँ पर 9 और 45 का एलसीएम लेना है, 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, इधर 15 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम एंड 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम एंड 1 टाइम। ऐसे जब भी हम डिवाइड करेंगे बिल्कुल सिंपल है, अगर इसका एलसीएम फाइंड करना है तो ये नंबर लेंगे 3 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 9, 5 जो होता है 45। व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जिस नंबर मतलब जो नंबर बड़ा है वही एलसीएम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़े नंबर का फैक्टर ही पास में लिखा हुआ है, इस नंबर का फैक्टर ही पास में है। जैसे यहां पर देखो 48 है, 48 में 1 का डिवाइड जाता है, 2 का जाता है, 3 का डिवाइड जाता है, 4 का डिवाइड जाता है, 6 का डिवाइड जाएगा, 8 का जाता है, 12 का डिवाइड जाता है, 24 का डिवाइड जाता है और 48 का डिवाइड जाता है। अगर 48 के पास में इनमें से कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो एलसीएम 48 ही आएगा, फिक्स है यही आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर बड़ा है वही आपके एलसीएम होगा, कब? जब पास में फैक्टर लिखा हुआ हो तो।